Hello everybody, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching. So recently हमने एक pedagogy, andragogy और assessment के question solve किए थे. उसमें एक सवाल आया था कि developmental stages of reading की अगर हम बात करें तो जब बच्चा aware हो जाता है उन तरीकों से जहाँ पे वो letters को different different sounds के साथ combine कर पाता है, अपनी vocabulary को expand कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको कौन सा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, है ना? और इसका आंसर जो था वो इसका आंसर था ऑर्थोग्राफिक स्टेज. लेकिन उस समय हमें डाउट आया था कि इसका आंसर ऑर्थोग्राफिक स्टेज कैसे और क्यों होगा. तो आज उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए और उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग, ये नेट का ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन एज इट इज नेट के पेपर में आ चुका है एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार सेट के पेपर में भी आया है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसकी पूरी थ्योरी. तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सो लेट मी जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट थ्योरी जो मैं अब आपको इसकी बताने जा रही हूं. और वो थ्योरी ये है, आई होप ये सब आपको, हाँ चलिए चलते हैं. तो अगर आपको पहली चीज तो ये मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ओटा फ्रिथ ने आपका डेवलप किया था ये थ्री फेज का मॉडल, जो कि बात करता है किस चीज की, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग. तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो आपको सबसे पहली चीज जो मालूम होनी चाहिए वो ये है कि आपकी जो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है. ये जो तीन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ये डेवलप की गई है ओटा फ्रिथ के द्वारा. ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ओटा फ्रिथ, उन्होंने डेवलप की थी ये तीन फेजेस जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग है. ये डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग इट्स अ थ्री फेज मॉडल कि किस तरह से आपका जो दिमाग है वो रीड करना स्टार्ट करता है. तो इसका जो पहला फर्स्ट स्टेप है उसको आप बोलते हो पिक्टोरियल स्टेज, जहां पर आप बच्चे को ग्राफिक इमेजेस पिक्चर्स शो करते हैं, ठीक है, विजुअल्स इमेजेस शो करते हो जिससे कि बच्चा रिलेट कर पाता है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट. तो आप क्या करते हो, ए लेटर की साउंड को रिलेट करो, ए फॉर एप्पल, एप्पल. तो आप साउंड रिलेट करना सिखाते हो. सेकेंड स्टेज क्या होती है, फोनोलॉजिकल स्टेज. फोनोलॉजिकल स्टेज का मतलब होता है पहले तो एबीसीडी पहचाना, फिर उनकी साउंड्स को पहचाना. अ मींस अ, ब बी मींस ब. तो पहले स्टेज में आपने ए फॉर एप्पल करा, पिक्चर से रिलेट करा, फिर आपने क्या करा, साउंड्स प्रोड्यूस करे. और जो थर्ड स्टेज है जहां पे बच्चा साउंड से सिमिलर है, अब आप बोलोगे कि लिखो एप्पल, बैग, कैट. जब हम बच्चे की डिक्टेशन श्रुति लिख लेते हैं, हम बोलते हैं, बच्चा स्पेलिंग्स लिखता है, ठीक है, जहां बच्चा वर्ड्स को रिकॉग्नाइज भी करता है, ठीक से बोल भी पाता है और कंबाइन करके लिख भी लेता है. तो क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था कि आप लेटर्स और साउंड्स को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है. तो पहला स्टेज पिक्टोरियल होता है, दूसरा स्टेज कौन सा होता है, फोनोलॉजिकल, जो यहाँ गिवन नहीं था, और तीसरा स्टेज और जो सबसे ऊपर होता है वो ऑर्थोग्राफिक होता है. तो आई होप आप ये गलती नहीं करोगे, इस नाम को मत भूलिएगा, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. तीन स्टेजेस कौन सी है, पहला पिक्टोरियल, दूसरा फोनोलॉजिकल और तीसरा ऑर्थोग्राफिक स्टेज. तो जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.